शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, एडीएम त्रिभुवन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार, एसएस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समझता हूँ कि आज के दिन जब लोग संविधान दिवस मनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें, ताकि उससे जुड़े हुए लोगों को उससे अधिकार मिल सके। क्योंकि अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार फिर कैसे प्राप्त होंगे। विशेष रूप से हमारा इस बात का बल है कि हम कर्तव्यों के ऊपर ध्यान जरूर दें, उस पर चिंतन और मनन करें और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में जरूर। धन्यवाद। अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेंगे और हर प्रकार से दूसरों के हित के लिए, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। गिरी शब्दों के साथ फिर से आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य विशेष ध्यान दें और भारत को सुंदर भारत बनाने के दिशा में सब मिलजुल कर प्रयास करें। इसी के साथ साथ 26 जनवरी है और हम लोग ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमारी तरफ से समस्त जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, मैं देशवासियों को और जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और एक भावना जो देशवासियों में इस गणतंत्र दिवस पर जागृत हुई है वो है देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ऐसी इच्छा करता हूँ। तो सभी राज्य के सभा के लिए साझापुर में जो भी मरीजों के लिए हमारे पास में सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग उसका स्थानियों के लिए विशेष दिवस है। इस दिन भारत ने गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, इसलिए हमें इस बात पर गर्व है कि हर 26 जनवरी में याद दिलाती है कि हम विश्व के सबसे मजबूत और सबसे विशाल गणतंत्र हैं। साथ ही साथ हमें दायित्व भी याद दिलाती है कि सबसे बड़ा गणतंत्र होने के नाते दुनिया की शांति स्थापित करने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है।